हेलो दगड़ियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिवाली भी आने वाली है। घर का इतना काम पड़ा है, साफ सफाई इतनी करनी है, घर में पेंट करना है। एक ही पेंटर पता नहीं कहाँ है, 2 महीने पहले से इसको बोल रखा है। एक बार फोन करती हूँ इसको, कहाँ है ये फोन भी नहीं रुको, उठा रहा है। जरा कहाँ गया उसने, मेरे फोन सबर छोड़ दिया अभी। करो। एक बार और मिलाती हूँ। हाँ, रिंग तो जा रही है। हाँ पेंटर साहब, कहाँ हो आप? हाँ, कब आ रहे हो हमारे घर पे? जल्दी आ जाओ भैया, 2-3 दिन कूड़ा है गया दिवाली के। अब ये कब करोगे हमारे घर में पेंट? बहुत साफ सफाई करनी है हमने अभी, ये दरवाजों पे पेंट करना है, घर में पेंट करना है। जल्दी आ जाओ ना, दूसरी जगह हूँ, दूसरी जगह छोड़ दो अभी, हमारे वहां आओ। 2 महीने पहले से बुकिंग कर रखा है मैंने तुम्हें। हाँ जल्दी आ जाओ। मैं कल से तुम्हारे यहाँ काम करता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ। आता हूँ, ओके ओके। मैंने आजकल तो किसी को भरोसा ही नहीं करा जाता है। 2 महीने से ऑर्डर दे रखा है उसको, फिर भी अभी तक नहीं आ रखा है। अब ये सुबह के 9 बजे हुए, अभी तक नहीं आ रखा है। एक बार मिलाती हूँ फोन। हेलो, अरे भैया आप आज तो आ जाओ। आज कल करके कितना वो कर दिया तुमने, आज तो आ जाओ। अरे मैडम, ये आप ही का घर है जहाँ पेंट करना है? मैडम कल कॉल आई थी, जो आप ही का घर है जहाँ पेंट करना है। अरे भैया, ये जूतों को बाहर उतार दो आप, अंदर ही कहाँ ला रहे हो जूतों को? ये बगल में हमारा किचन है, खाना। मैडम 5,000 के जूते हैं, कोई उठाएगा तो नहीं यहाँ से? अरे भैया, 5,000 के जूते तो होंगे, वो पैर में पहनते हैं उनको, कोई सर पे उठा के तो ले जाएगा उनको, सर पे थोड़ी पहनते हैं उनको। अरे क्या देख रहे हो भैया, छोटा ही घर है, बड़ा घर नहीं है हमारा। देख लो, ढंग से देख लो भैया। आप आ गए, इतने दिन को फोन कर रखा, आज आया हो तू। तो हमने भी 2 महीने से तुम्हें ऑर्डर दे रखा है ये। अब देख लो, तुम पूरा घर को देख लो, ये दरवाजे हैं, ये घर का पेंट करना है। अब देख लो तुम कहाँ कहाँ करना है तुम्हें। चलो ठीक है, फिर यहाँ तुम्हारा कहीं चेंजिंग रूम है? अब चेंजिंग रूम ही चाहिए तुम्हें? अपना निकर और बंडी में आ जाते हो वहीं से। ये है, यहाँ जाओ, ये चेंज करने जाना है तो यहाँ जाओ, ये यहाँ कर लो चेंज, और जल्दी जल्दी कर लो काम, फटाफट हाथ चलाओ फटाफट। हाँ दिखाओ, कौन कौन सा पेंट लाया वो दिखाओ मेरे को। अच्छा, ब्रिटिश पेंट है। अच्छा ठीक हो गया, खर्चा बता दिया, बचा दिया। अरे बचाया क्या भैया, अभी तुमने वो बताया नहीं मेरे को। अच्छा तो कितना कितने का बैठा था टोटल, मैं तुम ये बता दो। बस बस बस, दिखाने की जरूरत नहीं है, अब दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दो कितने का बैठेगा। फिक्स रेट बता दो एक ही। अगर पेंट मेरा रहेगा तो तुमको सस्ता लगा देंगे 10,000 रुपया, और अगर झाड़ी में कराओगे तो 1,000 रुपया। इतना महंगा हो गया पेंट? मेरे पति तो ऐसा ही कर लेते हैं, आप क्या करें, वो अभी बाहर गए हैं इसलिए अब मजबूरी होती है। पेंट भी लाए हैं और पेंट को खिलौने के लिए लकड़ी भी लाए हैं। ये लकड़ी का ही पैसे लोगे तुम? ये लकड़ी, अरे मैडम ये मिलती नहीं है, ये प्लम्बर से बनवानी पड़ती है स्पेशली, 500 रुपये की लकड़ी है। क्यों, लकड़ी प्लम्बर बनाता है कि? पहले मेरे को बताओ कि ये लकड़ी प्लम्बर बनाता है? अरे प्लम्बर की यहाँ लेनी पड़ती है स्पेशल ऑर्डर में। नहीं, लकड़ियों का काम तो कारपेंटर करता है। आजकल नया चीजें चला है कि लकड़ी स्पेशली पेंट होने के लिए बनाई जाती है। मैं नहीं जानती है कुछ, आप मेरे को फिक्स रेट बता दो कितने में करोगे। 10,000 तो मैं नहीं दूंगी भैया, फिक्स रेट बता दो मेरे को एक ही। तुमसे ले लेंगे हम 9,500। रुको जरा, सबर करो। अब ना तुम्हारी ना मेरी, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, 5,000 में करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ, फिर मेरे पति आ जाएंगे, वो तो कर ही लेंगे, उनको सब आता है। अरे
टाइम खर्च किया, 2 महीने से बोल रही हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, दिवाली आने वाली है, अब किसको बोलूँ मैं, करना है तो कर जाओ भाई, वरना मैं खुद ही कर लूंगी, मेरे पति घर पे नहीं है अभी तो मैं खुद ही कर लूंगी, जल्दी बताओ। चलो कर देंगे फिर, हाँ चलो फिर फटाफट ये है, यहाँ जाओ ये चश्मा उतारो भैया, इसको उतारो, इसे कुछ नहीं देखता है ये फैशन वाला चश्मा, इसमें क्या करोगे इससे, इसको उतारो फिर न्यूम लगाओ और फटाफट करो अपना काम, हाँ जल्दी जल्दी करो, हम भी अपने चाय पा। चलो मैडम हो गया फिर, हम पेंट करते हैं चश्मे से ही होगा यहाँ पेंट है ना। अरे भैया ये चश्मा उतार दो, ये चश्मे में कहाँ पेंट होता है, ये फैशन वाला चश्मा है, कोई नजर वाला चश्मा थोड़ी है ये। अरे मैडम नाश्ता तो मैं ही बनाता हूँ, आज हमारे यहाँ पे नाश्ता। अरे भैया थोड़ी काम कर लो, तब मैं चाय पानी वो कर लो, इंतजाम करती हूँ तुम्हारे लिए, मैंने भी कौन सा अभी नाश्ता कर रखा है, मैं भी बनाती हूँ चाय, ये दरवाजे को पहले पेंट करो, इन पे पेंट करो, फटाफट करो पहले, अब 3 दिन 4 दिन कूल रह गया दिवाली के, अब फटाफट करो मैं लाती हूँ। अरे भैया आज कितनी लेट आए तुम तो, ये पूरे 1 बज गया है, कोई टाइम नहीं तुम्हारा आने का, ये और हाथ भी ऐसे चला रहे हो बिल्कुल, जरा जल्दी जल्दी करो वो काम, आज ये कितनी तारीख हो गई, 2-3 दिन कूल है अभी। नाश्ता घर से ही करके आए, इसलिए आपने हमको ठेका देखा, हम चाहे 1 बजे आए चाहे 12 बजे आए, आपका काम किया। भैया दिवाली तक होगा नहीं होगा ये बता दूंगा, होगा ना पक्का। भैया मेरे को दिवाली से 1 दिन पहले चाहिए काम, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ नाश्ता पानी क्या है, हम खुद नहीं करें नाश्ता यहाँ, तुम्हें कहाँ से कराए नाश्ता, अरे कर्जदार भैया अभी तुम काम भी तो ऐसे कर रहे हो, कर्जदार वाला काम, जब ढंग का काम करते तो हम नहीं पाते कर्जदार, पैसे भी तो हम तुमको कर करा देंगे उस समय, चुप रहो चुप रहो, जल्दी करो काम, जल्दी जल्दी करो, मैं लाती हूँ अभी चाय है लाती हूँ। लो चाय पी लो, बाबू चाय चाय कर, तुमने भी दिमाग खराब कर रखा है, लो पी लो चाय। अब जरा हाथ ढंग से चलाओ, क्या गधों के जैसे लगे हो तुम, तब से एक दरवाजा नहीं कर रखा है तुमने। अरे यार तुम कटकेदार ज्यादा कर रहे हो, तुम चाय अपने हैंड में रख, पी लो आप पी लो, जूठा लगा दे, कौन पिएगा तुम्हारा जूठा, तुम ही पी लो ये चाय को, अब जरा फटाफट, अब कितने दरवाजे रह गए, 2-3 दरवाजे रह गए शायद, आज हो जाएगा फाइनल, कल हो जाएगा, कल नहीं आज, आज करो फिर और सफाई तो करूंगी मैं। अब गुटका यहाँ दुकान नहीं है भैया, बहुत दूर है दुकान, मैं लेने जा रहा हूँ, मैं लेके आ रही हूँ, मैं किसी से मंगाती हूँ, अभी फोन करती हूँ किसी से मंगाती हूँ, तुम एक काम काम पे ध्यान दो, 10 वाले मंगाओ, मैं 5 वाले मंगाऊँ, ये मेरी मर्जी है, कल भी तो दिए 10-10 वाले दो, रोज कहाँ से आते हैं इतने पैसे, मैं अभी मंगाती हूँ, हाँ मंगाती हूँ मैं, आप काम करो 10 वाले मंगाओ या 5 वाले मंगाओ ये मत बोलना ना, मैं ला रही हूँ, चलो मैं मंगाती हूँ, करो आप काम। लो एक गुटके मंगा दिए, मैंने एक गुटके ले लो। अरे यार ये 5 वाले मंगाए तो एक डॉज, अब डॉज क्या डॉज होता है वो, अरे अरे कोटा यार मेरा, मतलब कोटा हमारे 4 तक का कोटा चाहिए हमको, ये चश्मा नजर का है या फैशन वाला है, ये फैशन वाला चश्मा, चश्मे को उतारोगे तुम, ये यहाँ पर से दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, यहाँ पर से निकल रखा ढंग से, अरे पेंट है ना, पेंट आंखों में ना गिरे इसलिए हमने चश्मा पहनते हैं, चश्मा उतारो, नजर वाला होता तो मैं बोल दी नजर नहीं लग रही है तुम्हारी, तब वो करो खाली फैशन के लगा रखे आजकल, पता नहीं मोबाइल हो गया, चश्मा हो गया, लैपटॉप हो गया, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ अब ऐसे ढंग से लगाओ, और ये गुटके फुटके कड़ी चावल बनाए हैं मैंने, खाओगे, ये गुटके खा खा के दांत तुम्हारे ये दिमाग को लाल करते ना, युवा लाल मत करना, बाहर थूक के आना, प्याचे प्याचे वो कोने कोने में थूक जा रहे हो, क्या फायदा मेरे सफाई करने का, हाँ बाहर वो बाहर थूकना, होगा तो मंगा दूंगी, नहीं होगा तो मैं जो कहाँ से मंगाऊँ, दूर है दुकान,
पुराने बच्चों को भेज ना ना, मैं होगा तो मंगा दूंगी, नहीं होगा तो भैया मैं अभी अब एक दो दरवाजे पुनः करो और अपना राम राम बहो, ऐसे पेंटर से तो पल्ला झाड़ना ही सही है भैया बाप हो। हाँ हाँ ऐसा ही बोलोगे आप, 2 महीने से बुकिंग करने के बाद भी नहीं मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो। अरे बेटे में डाले तो साफ कर लेते हैं, लगता है तो रूंगा में जाने की भी लगे हो, इतना आता घर से भी साफ की जाए क्या? बस पेंटर साहब तुम्हारे भरोसे थोड़ी है, हम ये घर साफ करने के जाले हाथ तो निकाल दो उनको, जाले हाथ हाथ मार रहे हो तो ये जाले हाथ साफ कर दो जरा, यहाँ यहाँ ये जाले लगा के। अरे मैडम जी हमने जालों का थोड़ा ठेका ले रखा, हमने तो पेंट का नीचे ठेका ले रखा है, जाले निकालेंगे तो साफ सफाई करेंगे 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। अरे भैया तुम्हारे हाथ तो खींचने जाएंगे, थोड़ी अगर जालों पर हाथ मार दोगे तो थोड़ा मार दो, यही पर कितना थोड़ा सा हिम्मत लगा है, बाकी मैं इसका कर रखा है साफ सफाई। लो चाय पी लो, आप पहले चाय ठंडी हो रही है, हाथ मारने वाली बात नहीं है भैया, हमारा टाइम लगता है अभी। लो चाय पी लो, एक बूढ़ी फिर ठंडी हो जाएगी, फिर और नखरे दिखाओगे तुम पेंटरों को तो बहुत नखरे से नखरे नखरे से नखरे। लो चाय पी लो पहले, चलो ठीक है। हाँ पी लो पी लो, अब मैं गर्म नहीं करूंगी चाय, कितनी बार मैंने गर्म कर दिया चाय, अब ना बिल्कुल गुटके खाने में हो दिन भर और बिल्कुल चश्मा पहनने में हो, और मुझे बोले हो कि ये चाय गर्म कर चाय गर्म कर, अंधेरा होने वाला है, बस ये लास्ट दरवाजा है अंधेरा होने वाला है बाहर। हाँ इसको फिनिश करो, हाँ मैं फेस वगैरह इंतजाम करती हूँ, आप इसको फिनिश करो और बस आज ये लास्ट होना चाहिए, 2 दिन मेरे लिए भी चाहिए साफ सफाई के लिए, जाले माले जरा निकाल दो इनको। हाँ और ये फिनिशिंग ये यहाँ यहाँ ढंग से करना, ये हाँ इसको ढंग से करना, मैं अभी आऊंगी। हाँ ठीक है, गिलास पी रही तो गिलास मेरे को दे दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, गिलास भी ले जाओगे अपने घर को। जो इतना तुमने निपटा दिया है आज, बाप हो जब कचराट पड़ा आपके साथ तब जाके तुमने काम करा। और क्या बोलते हैं, अगर तुमको कोई प्लम्बर अलम्बर की कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम प्लम्बर का काम भी करते हैं। बाबा हो नहीं भैया ना, नहीं किया हमें प्लम्बर, नहीं पेंटर नहीं, मेरा दिमाग खराब करके रखा है तो मेरा नल तोड़ के जाओगे तुम और भी। नहीं बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ हाँ मुझे पता है कैसा अच्छा काम करोगे, कचराट पड़ा के तब तुमने इतना काम कराई हो गया। हाँ अब मेरा नल तोड़ के जाओगे, मैं प्लम्बर नंबर तो मैं डिलीट मार दूंगी अभी के अभी। बाप हो ऐसे प्लम्बर नहीं चाहिए हमें भैया। हाँ दिखाओ भैया, हाँ मेरे सामान तो नहीं दे रहे। हाँ ये बच गया है, एक आध डिब्बे यही रख जाओ पेंट के। अरे पैसे क्या है भैया, रख जाओ, ये टचिंग टूचिंग है जो वो मैं कर लूंगी बाद में। नहीं नहीं ले जाओ तुम, ले जाओ, मैं नया डिब्बे आधा डिब्बा तो है वो, नए पैसे ले लेंगे बोल रहे हैं, ले जाओ ले जाओ। हाँ एक आधा डिब्बा वैसे रख जा रहे तो रख जाओ। हाँ हाँ इसको भी ले जाओ, ये तुम्हारे कलम मशीन दे रखा है। हाँ इसको भी ले जाओ भैया, हाँ इसको भी ले जाओ बाबा हो, लकड़ी तो तुम्हारी इम्पोर्टेंट है रही वो। हाँ उसको तो तुम ले जाओ, और चश्मा खास करिए बाबा हो, बिना चश्मे के इतना आज इतने दिन से परेशान कर रखा है, 15 दिन हो गए करते करते करते। हाँ मेरा ब्रूस मत ले जाना, मेरा ब्रूस यहीं रख जाओ, ये ब्रूस निकालो, ये नहीं है मेरा, ये ब्रूस है, ये ब्रूस मेरा है ये। हाँ हाँ इसको निकालो, इसको उधर रखो, ये इनको मेरा सामान दे, हाथ मत लगाना तुम। हाँ अपना सामान ले जाओ। ना हो प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं मेरे नल तोड़ेगा तुम और कुछ भी नहीं, इतना दिन भर वो करके फिर अब वही प्लम्बर प्लम्बर प्लम्बर, आप नहीं की मैं वो प्लम्बर दूसरे बुला लूंगी। हाँ हाँ अंधेरा हो गया, जाओ तुम अब जाओ, मैं हाँ लाती हूँ, मैं तुम्हारा हिसाब लाती हूँ, ये रखे मैंने तुम्हारे पैसे, ये है 5,000, 200 रुपए है, मैं 200 रुपए निकालती हूँ अपना, बाकी 5,000 तुम पकड़ो। दीपावली की मिठाई के लिए कैसे मिठाई है, दीपावली मिठाई के लिए मतलब बच्चे हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे के लिए दे रहे हो तुम मिठाई? सर हम जितने यहाँ काम करते हैं उससे लेते हैं ना। लो ये 100 रुपए पकड़ो बच्चों के लिए मिठाई के लिए, और हम दीपावली के दिन बख्शीश लेने भी आएंगे। हैं ये बख्शीश क्या होता है फिर? हमने जहाँ जहाँ पेमेंट किया होता है दीपावली के दिन उसी जगहों में जाते हैं, वहाँ से मिठाई पैसा एक जोड़ी कपड़े भी बनवाते हैं, कुर्ता पजामा। हे भगवान कैसा पल्ला पड़ा मेरा ये पेंटर,
अब कुर्ता पजामा भी बनाओ, अब मिठाई भी दो, ये हमारे पास की नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं बना रहे हम ये वो दिवाली में कपड़े। कुर्ता पीला होना चाहिए क्या? तुम्हारी भी हल्दी लगनी है क्या? हल्दी वाली पानी वो हमारे रिवाज है, हमारे मतलब क्यों पीला करके आप पेंट करोगे तुम? हम आ जाएंगे दिवाली के लिए। ठीक है जी, नमस्कार, जय श्री हो जाओ बबो। अब मत आना, शक्ल मत दिखाना अपनी, शक्ल मत दिखाना, इधर जाओ। हाँ नमस्कार, जाओ। बाप हो, उस दिन से दिमाग खराब करके रखा है ये पेंटर ने। कच 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 कच, बड़ी मुश्किल से। कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताना कमेंट में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर प्लम्बर की जरूरत हो तो हमारे पास ऑलरेडी प्लम्बर है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगी, तो उस पर आप कॉल कर सकते हो। तो मेरे पास प्लम्बर है, मेरा काम तो पैसों में किया, लेकिन आपका फ्री में कर देंगे वो भाई साहब। फ्री में कर देना इन लोगों का काम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।